नमस्कार, मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। TTC के तहत चल रहे इस वीडियो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मेजरमेंट चार्ट फॉर लेडीज। यूनिट फर्स्ट, कोड है CD208। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट किसे कहते हैं। मेजरमेंट माप किसी भी आकृति को मापने का मूल आधार है। शरीर आकृति के अनुसार पोशाक बनाने हेतु आवश्यक शारीरिक नाप लेना बॉडी मेजरमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट किसे कहते हैं। किसी भी आयु के व्यक्ति का नाप लेकर उसका औसत निकालकर जो सारणी तैयार की जाती है उसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट जो रहता है वो किस तरीके के हैं। ये हमने मेजरमेंट चार्ट लिया है लेडीज़ का इन सेंटीमीटर्स। इसको हमने देखिए अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो आप देखिए हमने को सेंटीमीटर और इंचेस दोनों में मेज़रमेंट लिया है इसका। सबसे पहले हमने बस्ट एरिया लिया है सेंटीमीटर में, जहाँ 80 है 32 सेंटीमीटर्स में, वह 85 है इंचेस में 34, और सेंटीमीटर में जहाँ लार्ज साइज़ का है 90 और इंचेस में 36। ये तो हमारे स्मॉल, मीडियम और लार्ज हो गए। ऐसे कह सकते हैं कि बस जिनका 32 है स्मॉल साइज़ का है, और मीडियम 34 और लार्ज में हमारा 36। अब इसी तरीके से हम वेस्ट की बात करते हैं। 60, 24, 65, 26, 70 और 28। ऐसे हम हिप की बात करेंगे 85, 34, 90, 36, 95 और 33। एक्रॉस बैक हमारी रहेगी 36, 14.4, 37, 14.8, 38, 15.2। अब हम बात करते हैं बैक वेस्ट लेंथ की। स्मॉल साइज में 29.5, 15.8, मीडियम में बात करते हैं 40, 16, 40.5 और 16.2। बस्ट पॉइंट हाइट हमारी 23.5, 9.4, 24, 9.6, 24.5, 9.8। अब बस्ट पॉइंट विड्थ हमारी है वही स्मॉल साइज में 14.5, 5.8, 15, 6, 15.5, 6.2। अब बात करते हैं फुल स्लीव्स लेंथ की। स्मॉल साइज में हमारी 57.5 सेंटीमीटर्स में रहेगी, 23 इंचेस में रहेगी, 58 फिर हमारी मीडियम साइज में सेंटीमीटर्स में रहेगी, 23.2 हमारी इंचेस में रहेगी। 58 हमारा सेंटीमीटर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर में रहेगा और 13.4 इंचेस हमारा लार्ज साइज रहेगा। हाफ स्लीव लेंथ 25.5, 10.2, 26, 10.4, 26.5, 10.6। स्लीव का हाफ हमारा 22, 8.8, 23, 9.2, 24 एंड 9.6। ट्राउज़र लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है मीडियम साइज में, सॉरी स्मॉल साइज में, और वही हमारा 40 इंचेस हमारा रहेगा मीडियम साइज में। 101 हमारा सेंटीमीटर्स में रहेगा, 40.4 हमारा इंचेस में रहेगा,
102 सेंटीमीटर में 40.8 हमारा। अब हम बात करते हैं कुर्ते लेंथ की, 106 सेंटीमीटर में 42.4 हमारा इंचेस में, 108 हमारा सेंटीमीटर जो मीडियम साइज़ का है वही हमारा 43.2 इंचेस में रहेगा, 110 हमारा सेंटीमीटर्स में और 44 हमारा इंचेस में रहेगा। फिर हम बात करते हैं वेस्ट कोट लेंथ की, 62 सेंटीमीटर्स, 24.8 हमारा इंचेस में रहेगा, 64 25.6 66 26.4। अब हमारा बात करते हैं टॉपर लेंथ की, 52 28.8 57 22.8 एंड 62 सेंटीमीटर्स एंड 24.8। ये सारा मेजरमेंट हमारा लेडीज़ का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीनेजर्स की, इसी तरीके से हम टीनेजर्स में भी हमें 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर तक के जो एज रहती है उनके मेज़रमेंट चार्ट को डिवाइड किया है। अब हमने बात की है जिन 13 ईयर के जो टीनेजर्स जो गर्ल्स होती हैं इनका बस्ट साइज़ हमारा 30 इंचेस होता है, 75 सेंटीमीटर्स, 30 80 और 32 85 34 एंड 87.5 35। वेस्ट की हम बात करते हैं 60 24 62.5 25 63.75 25.5 65 और हमारा 26। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि 30 82 32 85 34 90 36 एंड 90। क्रॉस बैक हमारा रहेगा 32.5 31.25 12.5, मीडियम में वही हमारा 14 to 15 ईयर का हमारा रहेगा 32.5 30 33.75 13.5 35। वेस्ट लेंथ हमारी रहेगी 31.25 12.5 33.75 13.5 36.25 14.5 37.5 15, वही हमारा 41.25 16.5 42.5 0 17 43.75 17.5 45 and 18। ये हमारा मेज़रमेंट चार्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि मेज़रमेंट चार्ट जो रहता है उसके बाद हम उसको जो चार्ट हम जो बॉडी को जब हम कोई भी गार्मेंट बनाते हैं तो उसको हम बनाने से पहले एक हम नाप लेते हैं, उसको किस तरीके से लेते हैं कहाँ से लेते हैं ये हम देखते हैं। ये देखिए हम किस तरीके से वेयर टू टेक मेज़रमेंट, ये हमने एक छोटा सा डायग्राम है जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम कहाँ से कहाँ तक नाप लेते हैं। टेक ऑल मेज़रमेंट क्लोजली बट नॉट टाइटली, सभी मापों को हम बारीकी से लेते हैं लेकिन कसकर नहीं लेते, ठीक है। All vertical measurement should be taken on one side only. जो vertical maps होते हैं केवल एक तरफ से ही लिए जाते हैं और सभी जो horizontal measurement हैं वो हमेशा फर्श के समांतर टेप के माप से साथ में लिए जाते हैं। छाती के माप के मामले में जब यह आंकड़ा हम इस आंकड़े के अनुसार अपना स्वयं का स्तर नहीं हम पा लेते हैं यानी लेवल ले लेते हैं तो तैयार परिधान का कोई भी नीचे का अंतः वस्त्र पर जो होता है उसको हम
उस आंकड़े को हम मापते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक बॉडीज मेजरमेंट। ये हमारा जो फिगर है इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में लेकर के मेजरमेंट लिया है। इसको किस तरीके से कहाँ कहाँ का लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम बस्ट। सबसे पहले हम देखो फर्स्ट नंबर हमारा ये 1। अराउंड फुलेस्ट पार्ट ऑफ बस्ट इन शॉर्ट टेप मेजर डज नॉट स्लिप डाउन एट द बैक। बस्ट साइज को जब हम लेते हैं तो पूरा उसको लेकर के लगभग बस्ट का पूरा भाग सुनिश्चित करते हैं और टेप माप पीछे की ओर नहीं खिसकने देते, हम ऐसे ही करते हैं। सेकंड हम करते हैं वेस्ट, जो हमारी नेचुरल वेस्ट होती है, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब थर्ड हमारा रहता है हिप साइज। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है हमारा हिप साइज। अराउंड फुलेस्ट पार्ट ऑफ हिप जनरली ओवर द बॉटम अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर बिलो वेस्ट लाइन। ये 20 सेंटीमीटर वेस्ट लाइन से नीचे की तरफ रहता है। ये हमारी जो वेस्ट लाइन है, ये जो मैंने आपको दिखाई, इसे 20 सेंटीमीटर नीचे की तरफ रहता है। अब हम बात करते हैं फोर अपर हिप की, तो हिप से ऊपर वाला पोर्शन रहता है। अराउंड हिप बोन अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर बिलो वेस्ट लाइन। जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, ऐसे कूल्हे की जो कूल्हे की हड्डी रहती है उसको हम अपर हिप्स कहते हैं, यहाँ से हम नाप लेते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट लेंथ की। सॉरी, हम बात करते हैं बैक लेंथ की। ये हमारा फिफ्थ नंबर बैक लेंथ। फ्रॉम नेप बैक ऑफ नेक, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक। फ्रॉम नेप बैक ऑफ नेक टू वेस्ट लाइन, मतलब यहाँ से लेकर के ये हमारी वेस्ट लाइन तक। सिक्स हमारा रहेगा फ्रंट लेंथ, ये हमारा सिक्स नंबर, ये हमारी फ्रंट रहेगी लेंथ। फ्रॉम बेस ऑफ थ्रोट टू नेचुरल वेस्ट लेंथ, ये हमारा थ्रोट है, यहाँ से हमारा यहाँ तक। चेस्ट लाइन हम बात करते हैं चेस्ट की। अराउंड बॉडी अबाव बस्ट एंड अंडर आर्म, ये देखिए पूरा का पूरा हम इसकी बात कर रहे हैं। नाइन नंबर हाइट हाई चेस्ट। फ्रॉम आर्म होल टू आर्म होल ऑन द फ्रंट अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर बिलो बेस ऑफ थ्रोट, ये वाली जो चीज़ हमारी यहाँ से आर्म टू आर्म, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। अब हम बात करते हैं शोल्डर्स की। अब हम बात करते हैं शोल्डर की। टेन नंबर हमारा ये शोल्डर लाइन, यहाँ से फ्रॉम बैक नेक पॉइंट टू पॉइंट एट विच आर्म लेंथ बिगिन एंड शोल्डर फिनिश्ड, मतलब जहाँ से हमारा ये कंधे से गर्दन तक बिंदु जिस पर हाथ शुरू होता है और हमारा शोल्डर फिनिश होता है यानी ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं स्काई डेप्थ की। फ्रॉम नेप डाउन सेंटर बैक टू लोएस्ट लेवल ऑफ आर्म होल,
ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। स्काई सर्कमफ्रेंस अराउंड आर्म होल रिस्ट आर्म इज इन नॉर्मल पोजीशन। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम बात करते हैं स्लीव मेजरमेंट की। भाई टोटल लेंथ हो, नेक टू रिस्ट लेंथ, यहाँ से हमारी टोटल की टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक। फ्रॉम साइड ऑफ नेक अलोन शोल्डर डाउन आर्म टू रिस्ट अलाउ टेप मेजरमेंट ऑफ फ्लो फॉलो कर्व टू आर्म। यहाँ से बात कर रहे हैं 14 बात कर रहे हैं अंडर आर्म लेंथ की, जो कि हमारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक रहेगा। 15 हम बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं बिशप की। ये हमारा 15 नंबर, यहाँ से ये पूरा राउंड ले लेते हैं हम इसको। अराउंड वेस्ट पार्ट ऑफ अपर आर्म हाई अंडर द आर्म पिट। अब हम बात करते हैं 16 रिस्ट की। ये देखिए ये पॉइंट हमारा अराउंड वेस्ट पार्ट ऑफ रिस्ट। 17 हमारा है हैंड विड्थ। अराउंड वेस्ट पार्ट ऑफ हैंड दिस मेजरमेंट एनेबल ऑफ कटर टू मेक द रिस्ट ऑफ द स्लीव विद एनफ टू पास ओवर द हैंड इफ देयर इज टू बी टू ओपनिंग। अब हम बात करते हैं 18 नंबर एल्बो विड्थ की हमारी। ये हम एल्बो विड्थ यहाँ से जो अराउंड लेते हैं, अराउंड एल्बो विथ विद आर्म बेंट, ठीक है। जब हम कोने को मोड़ते हैं वो वाला नाप बोलते हैं इसे। अब हम बात करते हैं स्कर्ट मेजरमेंट की। 19 नंबर हमारा ये कहाँ से लेते हैं, वेस्ट टू नी लेंथ। जो हमारी वेस्ट लाइन है ये यहाँ से फ्रॉम वेस्ट लाइन डाउन सेंटर फ्रंट टू नी लेवल, ठीक है। ये हमारा ये नी लेवल तक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वेस्ट टू एंकल लेंथ की। हमारा ये जो वेस्ट नेचुरल वेस्ट है वहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा आपका एंकल लेंथ यहाँ तक, ठीक है। अब स्कर्ट लेंथ कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम वेस्ट लाइन टू लेंथ ऑफ स्कर्ट रिक्वायर्ड। जो भी हमें वेस्ट लेंथ हमारे रहते हैं स्कर्ट की, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम लेते हैं यहाँ से, जितनी भी हमें रिक्वायर्ड है वहाँ से, जो हम नेचुरल वेस्ट लाइन है वहाँ से लेते हैं। अब ट्राउज़र लेंथ हम कहाँ से लेते हैं, बॉडी राइज ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक। फ्रॉम वेस्ट लाइन डाउन टू सीट ऑफ चेयर ओवर कंट्यूर टू हिप ऑफ हिप द पर्सन शुड बी सीटेड ऑन ए सॉलिड एंड अपराइट साइड। अब 23 पॉइंट आता है इनसाइड लेग लेंथ। ये हमारी यहाँ से लेकर के ये वाली जो लाइन रहती है वो हमारी इनसाइड लेग लेंथ रहती है। डाउन फ्रॉम क्रॉस टू लेवल ऑफ आउटसाइड एंकल बोन, ये हमारी एंकल बोन तक यहाँ तक रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं आउटसाइड लेग लेंथ की जो कि हमारा नेचुरल वेस्ट लेंथ है वहाँ से लेकर के यहाँ तक की।
तो बात करते हैं डाउन फ्रॉम वेस्ट ओवर हिप टू एंकल बोन द एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्राउजर विल वेरी डिपेंडिंग ऑन फैशन द लास्ट टू मेजरमेंट आर ओनली अ गाइड। जो ये हमारे लास्ट के दो मेजरमेंट हैं यानी कि इनसाइड लेग लेंथ और आउटसाइड, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि फैशन किस तरीके से चल रहा है और अभी जो हाल फिलहाल फैशन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी कस्टमर की चॉइस के ऊपर कि उसे किस तरीके से बनवाना है। मैं आशा करती हूँ कि इस टॉपिक पे आपको मैंने ठीक से समझाने की कोशिश की है। आप हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।